तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का अपने आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन आप लोगों का होगा कि जो आप लोगों का बैक पेपर होता है, जो कि बैक पेपर अभी आपका होने वाला है जून में, तो वो बैक पेपर आप लोगों का कैसा आता है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो है कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि कभी बैक पेपर देखे नहीं होंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है तो बैक पेपर कैसा आता है उन्होंने देखा नहीं होगा। और आपको मैं बताता हूं कि बैक पेपर की कॉपी कैसे चेक होती है वो भी बताएंगे, बैक पेपर आता कैसे है ये भी बताएंगे, सारी बातों के बारे में बच्चे डिस्कशन होगा। सबसे पहले आप अगर स्टूडेंट चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर आप अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के साथ ही साथ अगर आप अपना तैयारी करना चाहते हैं बैक पेपर का, तो आप लोग दिए गए नंबर 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल करके और आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के साथ ही साथ आपके बैक पेपर की भी बिल्कुल तैयारी होगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके डिस्कशन को। डिस्कशन ये है आपका बैक पेपर आता कैसे है, ठीक है। सबसे पहली बात तो जान जाइए कि जितने सारे स्टूडेंट ने स्क्रूटनी या रीचेकिंग का फॉर्म डाला है, अगर मान लीजिए कि अगर आपका स्क्रूटनी या रीचेकिंग के फॉर्म से आपका निकल जाता है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तो आपको बैक के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, आराम से आपका ओरिजिनल सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है, इस नंबर पे बच्चे कॉल करना है और उसके बाद जुड़ जाना है। लेकिन अगर आपका स्क्रूटनी या रीचेकिंग में नहीं निकलता है तब आपको जो है बैक पेपर देना पड़ेगा। देखिए जो बैक पेपर का पैटर्न होता है, थोड़ा बातें को समझिएगा, ये बैक पेपर का पैटर्न, आपकी पैटर्न की बात करें तो ये आपके ओरिजिनल पेपर के जैसा ही होता है और इसका जो सिलेबस होता है बच्चे ये बिल्कुल भी आपके ओरिजिनल पेपर के जैसा ही होता है। जैसा पैटर्न कहने की मैं बात करूं तो मैंने बोला था ना आपसे कि 1 × 10 = 10, मतलब शुरुआती 10 प्रश्न मैथमेटिक्स का ही लेकर के चलिए तो आपका जो एक एक नंबर के आते हैं, फिर आपके दो दो नंबर वाले प्रश्न आते हैं, फिर पांच पांच नंबर वाले प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आता है बच्चे आपका, ठीक है। और आपकी कॉपी भी उसी तरीके से चेक होती है बच्चे जिस तरीके से आप लोगों का सेमेस्टर एग्जामिनेशन की ओरिजिनल कॉपी चेक होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट 12 नंबर 14 नंबर 15 नंबर तक का सही करके आ जाता है, एटलीस्ट जो है वो बैक पेपर में फेल नहीं होता, एटलीस्ट जो है उसको 17 नंबर दे करके बैक पेपर में पास कर दिया जाता है, कोई चिंता करने की आपको बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एटलीस्ट 15 या 20 25 नंबर तक का आपका सही होना चाहिए और आपको तैयारी भी करनी है, सेकंड का मैथ भी लेकर के चलना है, फर्स्ट सेमेस्टर का भी मैथ लेकर के चलना है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं सोचेगा कि एक्चुअली में सर पेपर पैटर्न जो है आपका दूसरा आएगा, आपका डिफरेंशिएशन से कम क्वेश्चन पूछेगा, आपका मैट्रिक्स से सॉरी डिटरमिनेंट से कम पूछेगा, बाइनोमियल थ्योरम से कम पूछेगा, ऐसा नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम भी उतना ही आएगा, लिमिट भी आपका उतना ही आएगा, मैट्रिक्स आपका डिटरमिनेंट भी उतना ही आएगा और डिफरेंशिएशन भी उतना ही आएगा। बस बात यह है कि थोड़ा मोरा ऐसा दिया जाता है कि आपको जो है थोड़ा मोरा सहूलियत हो कि बैक पेपर की कॉपी ऐसे चेक की जाए कि मोर देन आपके 80% एटलीस्ट बच्चे जो है बैक का फॉर्म भरे और वो पेपर दें तो पास हो जाए, है ना। और हम कई बार ऐसा देखे हैं कि जो स्टूडेंट बैक का पेपर देते हैं उनकी दोबारा बैक लग जाती है, ध्यान से सुनिएगा, जो बैक का पेपर देते हैं उनका दोबारा बैक लग जाता है और वो आपका हो जाता है तब बच्चे आप लोगों का स्पेशल बैक, है ना, उसको हम लोग कहते हैं बच्चे स्पेशल बैक पेपर। और वो स्पेशल बैक पेपर हमेशा आप लोग का देखते होंगे कि इवन सेमेस्टर में ही होता है, जैसे कि जितने फोर्थ सेमेस्टर में बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा होगा, सेकंड में क्लियर नहीं हुआ होगा, तब जाकर कि ये फिर से स्पेशल बैक पेपर दे रहे हैं, उसकी भी कॉपी और उसकी भी जांच करने का क्राइटेरिया बिल्कुल वही है। तो कोई कोताही आपके साथ बढ़ती नहीं जाएगी बच्चे, बस जरूरी यह है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो प्रायोरिटी आपकी है कि आपने जो है स्क्रूटनी या रीचेकिंग के फॉर्म को डाल दिया है, अगर आप इतने काम कर लेते हैं ऑलरेडी तो बच्चे मैं आपको बताता हूं तब कोई समस्या की बात नहीं है, निकल जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं निकलता है तो तैयारी करिए, शानदार तैयारी करिए। 20 से 25 दिन का आपके पास ऑलरेडी बच्चे समय बचा हुआ है, 20 to 25 days है आपके पास, 5 सब्जेक्ट अगर आप लेकर के चलेंगे बच्चे तो आपका ओरिजिनल पेपर का होगा सेकंड सेमेस्टर का, 2 या 3 सब्जेक्ट में हर स्टूडेंट का, लगभग स्टूडेंट का, मैं बता रहा हूं हर स्टूडेंट नहीं कह सकते, लगभग स्टूडेंट का बैक लगा हुआ है, ठीक है। सारी तैयारी ऑलरेडी चैनल पे चल रही है धमाकेदार तरीके से, इसलिए आप लोग दिए गए नंबर 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल करिए, उसके बाद जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए बच्चे स्पेशल अपडेट के लिए। धन्यवाद।